नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टाग बिथ हेमराज में तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट यू 2021 का फॉर्म भरने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिफाइज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो इसमें हमारा जो मांगा गया है तो पासपोर्ट फाइज फोटोग्राफ मांगा गया है जिसका फाइज जो है तो दस के बी से दो सौ के बी भी, के बीच होना चाहिए ओके okay, और दूसरा है पोस्ट कार्ड फाइज़ फोटोग्राफ यदि आपके पास पोस्ट कार्ड फाइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आप किसी कैफ़े में जाकर आप खिंचवा सकते हैं ओके इसका भी फाइज़ जो है तो दस के बी से दो सौ के बी के बीच होना चाहिए ओके यहाँ एक और चीज़ बोला गया है कि यदि आपके फ़ोटो में नाम और डेट नहीं है तो वो आपकी आपका फॉर्म जो है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ओके तो सब पहले आपको क्या करना है अपने फ़ोटो में अपना नाम लिखवा लेना है और आपको ये जो डेट है एक एक दो हज़ार इक्कीस के बाद की डेट यदि आपके फ़ोटो में डाली है तो चल जाएगी ओके तो आप यही कोशिश करिएगा कि हम जो है तो एक दो हज़ार इक्कीस के बाद की ही डेट अपने फ़ोटो में डलवाएँ ओके और जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है तो वाइट होना चाहिए ओके अब हम यहाँ देख लेते हैं अपने फाइज फ़ोटोग्राफ जो है तो यहाँ पास छः से आठ है पासपोर्ट फाइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास और चार से छः पोस्ट कार्ड फ़ोटो फाइज आपके पास होना चाहिए ओके फिर यहाँ पास आता है कैंडिडेट सिग्नेचर तो आपके जो फाइन का फाइज है तो चार के बी से तीस के बी के बीच होना चाहिए ओके फिर यहाँ पास और ब्लैक इंक पेन से वाइट पेपर में आपका फ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है फिर हमारा तीसरा है लेफ्ट थंब इम्प्रेसन लेफ्ट थंब इम्प्रेसन है इसका भी फायद जो है तो दस के बी से दो सौ के बी के बीच होना चाहिए ओके तो दोस्तों जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वहाँ पास चले जाना है ओके ये देखिए मेरी ये फोटो है फाइन है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ये मैंने अपने मोबाइल से कैप्चर करके अपने पीसी में सेंड कर लिया है ओके तो अब हम सबसे पहले यहाँ पास फ़ोटो को रिफाइज करेंगे तो फ़ोटो को रिफ़ाइज करने के लिए सिंपल सा हम फोटो में क्लिक करेंगे ओपन में जाएंगे पेंट में हम चले जाएंगे ओके तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा आपको कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेना है अब हमें यहाँ पर क्रॉप करने की ज़रूरत है तो हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करना है और जितना भाग यहाँ पे आपको चाहिए वो आप क्रॉप कर लीजिए सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉप कर लेना है अब हमें रिफाइज करने की ज़रूरत है तो रिफाइज में हम क्लिक करेंगे पिक्सल में क्लिक करेंगे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे हॉर्जेंटल में आपको भरना है 200 और वर्टिकल में आपको भरना है दो सौ तीस ओके और ओके बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको इसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ओके यहाँ कोने में जाकर आप इसको बढ़ा लीजिएगा अब आपको ये जो कोने में आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको इसको पकड़ के या इसे थोड़ा सा इसको खींच लेना है ठीक है अब हमें इसके नीचे नाम लिखना है और डेट भी लिखना है तो अब हम सिंपल पर क्या करेंगे ये जो ए दिख रहा है आपको तो इसमें आपको क्लिक कर देना है और यहाँ एक बॉक्स बना लेना है ऐसे राइट क्लिक करके आपको एक बॉक्स बना लेना है अब नाम आपको लिखना है तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं आप यहाँ पे इसको जाके बढ़ा भी घटा सकते हैं ये इसका फाइज बढ़ा लीजिएगा घटा लीजिएगा इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं ओके अब इसके नीचे हम डेट भी लिखे देते हैं तो आज मान लीजिए जीरो दो जीरो दो दो हज़ार इक्कीस तो कुछ इस प्रकार आप डेट भी डाल लीजिएगा अपने हिसाब से ओके जो भी आपको डेट डालनी है और कोने में जाकर आपको फाइल में फिर से क्लिक कर देना है ये जो कोना मैं आपको दिखाई दे रहा है ये आप होम में क्लिक कर दीजिए ओके फिर आपको क्या करना है सीधे कंट्रोल प्लस एफ दबा दीजिए सीधे आपको क्या करना है कंट्रोल प्लस एफ दबा देना है आपका ये जो इमेज है तो फेब हो जाएगी ओके अब हम इसको कट कर देते हैं तो ये देखिए हमारी जो फोटो का फाइज है तो अट्ठाईस दशमलव चार के भी हो गई है ओके तो कुछ इस प्रकार आप इमेज को रिफ़ाइज कर सकते हैं आप पोस्ट कार्ड फोटो को फाइज को भी इसी प्रकार रिफाइज कर लीजिएगा और उसके नीचे नाम और डेट डाल लीजिएगा ओके अब हम यहाँ पर फाइन को रिफ़ाइज करते हैं तो सिंपल फ आपको फ़ाइन में क्लिक करना है और यहाँ ओपन में चले जाना है पेंट में आपको चले जाना है और यहाँ फेस को जाकर जूम आउट कर लेना है अब हम यहाँ पर क्रॉप करने की ज़रूरत है तो सिलेक्ट में क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और सेलेक्ट हम हाँ कर लेते हैं ओके और यहां से इसको क्रॉप कर लीजिए अब रिफाइज हमें करना है तो रिफाइज में क्लिक करेंगे पिक्सल में क्लिक करेंगे मेंटेन रिव्यू में क्लिक करेंगे और यहां पाफ आपको भरना है दो और यहां पाफ आपको भरना है सौ ओके यदि फ़ाइज कम आ जाता है तो आप पिक्सल बढ़ा लीजिए यहाँ पास ओके और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए कंट्रोल प्लस एफ दबा दीजिए और यहाँ से बैक कर लीजिए ये देखिए हमारे जो फिग्नेचर का जो फ़ाइज है तो पाँच दशमलव बहत्तर के भी बचा है तो कुछ इस प्रकार आप इम फिग्नेचर को रिफ़ाइज कर सकते हैं ओके अब हम लेफ़्ट थम विमप्रेफन को रिफ़ाइज करेंगे तो सिंपल फा हम लेफ़्ट थम विमप्रेफन में क्लिक करेंगे ओपन में जाएंगे पेंट में जाएंगे और यहाँ कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेंगे ओके अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है तो हम फ्लेक्ट में क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर फिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें चाहिए हम क्रॉप कर लेंगे अब हम रिफाइज कर लेते हैं तो यहाँ पिक्सल आप पिक्सल बढ़ाते जाइएगा यदि आपका के भी बहुत कम आता है ठीक है तो हॉरिजेंटल में आप भर दीजिए मान लीजिए हमने तीन सौ भर दिया और तीन सौ और वर्टिकल में आप यहाँ पास भर दीजिए एक ओके और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए कंट्रोल प्लस एफ दबा दीजिए ओके और यहाँ से कट कर देंगे अब ये देखिए हमारे जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का फाइज है दस लो तीन के भी बचा है तो कुछ इस प्रकार आप लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन को रिफ़ाइज कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप अपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और फाइन फोटो को रिफाइज कर सकते हैं ओके यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक फेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके